चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जी हां, कहा है अच्छे दिन ये है क्या, ये अगर अच्छे दिन है तो अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी कैसी है, अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? ये कहना है पी चिदंबरम का। अर्थव्यवस्था पर सरकार जो है दिशाहीन है, अर्थव्यवस्था गलत हाथों में है, तो खुले तौर पर यहां सरकार पर निशाना साधते नजर आए हैं पी चिदंबरम। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, देश में मंदी जैसे हालात हैं, लेकिन सरकार जो है वो मानने को तैयार नहीं है। बिना आरोप हिरासत में उन्हें लिया गया, ये कहना है पी चिदंबरम का। मुझे न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। जिस तरह कल उन्हें जमानत मिली थी, सशर्त जमानत, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी, जिसमें एक बात तो ये भी है कि आईएनएक्स मीडिया केस के मामले में सार्वजनिक तौर पर ना तो इंटरव्यू देंगे, ना वो अपनी बात रखेंगे, ना इस इनसे जुड़े किसी भी व्यक्ति को वो फोन करेंगे, किसी तरह की कोई प्रभावित करने की बात उनकी तरफ से नहीं होगी। तो यहाँ आईएनएक्स मीडिया केस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सरकार पर निशाना साधा। मुझे न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है, ये कहना है पी चिदंबरम का। सरकार मेरी आवाज दबा नहीं सकती, मैं केस पर नहीं बोलूंगा, कोर्ट ने मना किया है। कश्मीर में लोगों की आजादी जो है वो छिन गई, ये पी चिदंबरम का कहना है। कश्मीर के 75 लाख लोगों के लिए मैं चिंतित हूं। तो तमाम वो मुद्दे थे जिन पर पी चिदंबरम ने कहा, चाहे वो धारा 370 खत्म करने के बाद कश्मीर की हालत हो, या मंदी का दौर हो, या अर्थव्यवस्था हो, सरकार की नीतियां हो, तमाम नीतियों पर पी चिदंबरम ने सरकार को घेरा। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आईएनएक्स मीडिया से जुड़ा किसी भी तरह का कोई भी वो अपना बयान जो है सार्वजनिक ना करें और ना कोई इंटरव्यू दे, तो पी चिदंबरम ने यहाँ इसका जिक्र करते हुए कि मैं अपने केस के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, ना कुछ कह सकता हूँ, ना अपना राय दे सकता हूँ, कोर्ट ने मुझे मना किया है, लेकिन ये ज़रूर बताया कि बिना किसी आरोप के मुझे गिरफ्तार किया गया। और सरकार पर तीखे तेवर पी चिदंबरम के देखने को मिला। कल ही जमानत पर रिहा हुए हैं और तमाम उन मुद्दों को उठाया है। अर्थव्यवस्था, जिस तरह जीडीपी की ग्रोथ हमने देखी है कि ये दूसरी तिमाही की बात की जाए तो 4.5 पर पहुंच चुकी है, उस पर पहले बोलना शुरू किया और उसके बाद अर्थव्यवस्था की हालत पर आए कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था की इस वक्त हालत हो रखी है, गलत हाथों में अर्थव्यवस्था है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार जो है वो मानने को तैयार नहीं है।